गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज के व्लॉग के साथ हम माजिन हैं। आज का व्लॉग बहुत ही खास है क्योंकि आज के व्लॉग में हो रही है पार्टी। एक्चुअली में कैनी की बर्थडे है आज और हमने प्लान किया था सरप्राइज के लिए, तो मेरे बच्चों ने मेरा सारा प्लान ख़राब कर दिया। एक्चुअली जब हम सुबह से ये डेकोरेशन में लगे हुए थे, लेकिन जब कैनी काम से आए तो इन्होंने सारी पोल खोल दी और बता दिया कि हम आपके लिए पार्टी प्लान कर रहे हैं या सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। कोविड की वजह से हमने काफ़ी बड़ी पार्टी नहीं की, सिर्फ हमने घर में बर्थडे छोटा सा सेलिब्रेट करने के लिए प्लान किया था। और ये सब जो है मैंने और नैना ने और एडन ने मिलकर डेकोरेशन करी है सारी, और हम सब अभी डेकोरेशन करके रेडी हो चुके हैं। मैं आपको डेकोरेशन दिखा दूं। और हमने जो है प्लान किया था पापा को सरप्राइज देने का, लेकिन जब जो के हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया सुजैना और एड्रियन ने, क्योंकि इनके पेट में कोई बात नहीं रहती, तो सुजैना और एड्रियन ने जो है पापा को आते ही बता दिया ये सारी हमारी डेकोरेशन है। हमने सुबह से रेडी किया हुआ है सब कुछ। ये सारी डेकोरेशन जो है हम सुबह से कर रहे थे, अब जाके हो चुकी है। तो सरप्राइज का प्लान तो हो गया कैंसिल, अब रहेगी केक कटिंग और बाकी पार्टी की बात, तो वो उसमें आप हमारे साथ रहिएगा। तो गाइस, आपको हमारी डेकोरेशन बताइएगा। तो गाइस, हम लोग मोबाइल घर पे भूल गए थे, वरना तो हम लोग अब वीडियो रास्ते में ही बनाते। हम लोग पापा का केक लेने गए थे। नहीं, मम्मा ने बना ली। नैना को याद दी था, पर मम्मा को याद था कि केक की वीडियो बनानी है। कब बनाई आपने मम्मा? मम्मा ने बनाई। गाइस देखो, मेरे को बताया भी नहीं क्या वीडियो बना रहे, व्लॉग बना रहे। ओह, अब तो क्या हुआ, नैना तो बन गई। और आप हमारे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको हमारी व्लॉगिंग अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और एडविन, सुनिए, हम लोग आपको केक कटिंग करते हुए मिलेंगे। बाय। और अब जो है हम आपको पार्टी में साथ लेंगे। पहले आप बताइएगा हमारी डेकोरेशन आपको कैसी लगी। सादा हमारी मेहनत लगी है, सुबह से शाम हो गई है हमारी मेहनत करते करते। और लाइट्स ऑफ करके आपको दिखाती हूँ, ये लाइटिंग कितनी प्यारी लग रही है। इतनी बेकार लग रही है। ओए, एडिन को ये बेकार लग रही है ये लाइटिंग के साथ, और भी खूबसूरत लग रहा है। और सुजैन जो है वो नाराज़ हो के चली गई हैं, अभी मैं उसको जाकर बनाती हूँ ऑल ओवर। बस हमारी सारी सेटिंग हो चुकी है। और गाइस देखो, ये कौन से बलून है बता सकते हो? अब हम आपको केक कटिंग पे मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे व्लॉग को हमारे साथ ही रहिएगा। और ये हम आ गए हैं अब कैनी का बर्थडे केक लेने। इधर से लो मास्क के अंदर ही अंदर जाने नहीं। चलो उसको रख, इसको सेट करो, चलो अंदर चलो। कौन सा वाला है जी? ये वाला। ये कितने पाउंड्स की? मैं तो कह रही हूं इस जी, इससे पीछे, इस तरफ आगे वाला। इसको पैक कर दे, यही वाला कि ये वाला लेना। बता दो यार फाइनल वाला। ये कौन सा बना हुआ है? ये इधर टेबल पे रखा है।
और फाइनली अब हमने केक ले लिया है। चलो नैना आंटी कुछ और लेना। आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करे और एक आपका मैसेज हमारे लिए उसको बड़ी कसर से बरकत देना, उसका एक साल आपने और जिंदगी में बढ़ाए खिलावन, आपका शुक्र और आपकी तारीफ और आपकी हम लोग और ये हैं कैनी के पेरेंट्स मेरे सासू। हम पापा को तो नाइफ दे दो। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कैनी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मेनी मोर, मे यू हैव मेनी मोर, मे यू हैव मेनी मोर डियर, हैप्पी बर्थडे। अब आती जी खाने की बारी। तो खाना सारा कैनी की मम्मा ने बनाया था, बिरयानी थी, कोरमा था, रायता, सैलेड, ये सब मेरी सास ने बनाया था और खाने में सिर्फ सैलेड मैंने बनाया था। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।